गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न EBS स्टैंडर्ड 5th. ओके, सो EBS में हमने लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13, अ शेल्टर सो हाई. ओके, तो हमने इसमें पढ़ा था कि गौरव जानी जो है वो उसकी बाइक को लेके ट्रैवलिंग करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है. तो वो जो है वो बॉम्बे से, यानी कि मुंबई से निकलता है, विच इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी. सो ही डजेंट लाइक क्राउडेड सिटी एंड दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू गो लाइक मनाली, विच हैज़ अ हिली एरिया. ओके, एंड यू ऑल आर लाइक हिली एरियाज. हमको भी बहुत पसंद है हिली एरियाज वाला रीजन, है ना. सो वो बॉम्बे से कहाँ पे जाता है? दिल्ली जाता है. और दिल्ली भी विच इज़ इक्वल टू मुंबई, यानी कि दिल्ली इज़ ऑल्सो क्राउडेड सिटी. दिल्ली भी क्या है? क्राउडेड सिटी है. तो उसे भी वैसा ही लगता है दिल्ली बॉम्बे जैसा ही. उसके बाद वो कहाँ पे जाता है? मनाली जाता है. और मनाली से उसे जाना होता है लेह एंड लद्दाख. तो मनाली है लेह एंड लद्दाख, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू ट्रैवल. ओके, तो जो है वो बहुत ही अच्छी प्लेस है ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ पे आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा है. ओके, उसके बाद है न्यू होम. ये भी हमने पढ़ लिया था, यानी कि यहाँ पे टेंट की बात हो रही थी कि गौरव जो है वो टेंट में रहता है और उसकी बाइक जो है उसे बाहर ही खड़े रहना पड़ता है. ओके, और वो जो है वहाँ पे सनराइज़ का मज़ा लेता है, यानी कि सनराइज़ जो है वो देखता है. उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट जो है वो कैसा है? कोल्ड मतलब ठंडा. तो हम आज कोल्ड डेजर्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, डेजर्ट का मतलब तो पता ही होगा सबको. डेजर्ट को गुजराती में बोलते हैं रण. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. एट लास्ट लोनार. लोनार क्या है? उसकी बाइक. इसकी गौरव की. एंड आई रिच ले. मैं और लोनार कहाँ पे पहुँच गए? लेह में. ओके, लेह में. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक एरिया देखा था. हाई ड्राई एंड फ्लैट कोल्ड कोल्ड डेजर्ट. एक तो बहुत ऊंचाई पे है, ड्राई है, सूखा है, और फ्लैट, फ्लैट मतलब ऐसा सपाट है. ओके, और कोल्ड कोल्ड डेजर्ट, उसे क्या बोला जाता था? कोल्ड डेजर्ट बोला जाता था. लद्दाख गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल. लद्दाख में रेनफॉल यानी कि बारिश जो है वेरी लिटल यानी कि बहुत ही कम आती थी. लद्दाख में बारिश बहुत कम होती थी. हियर देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड. यहाँ पे स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढके हुए क्या है? माउंटेन्स यानी कि पर्वत है. पर्वत जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं और बहुत ही हाई है. एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और ग्राउंड जो है एकदम फ्लैट है. यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंड एकदम फ्लैट है और कैसा है? एकदम कोल्ड मतलब ठंडा है. इन लेह में आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट फाउंड दैट आई क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस. लेह में मैंने देखा खुद से कि क्वाइट स्ट्रीट विद अ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस. स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली जो थी वो कैसी थी? एकदम क्वाइट मतलब शांत थी. और कैसे हाउसेस थे? वाइट हाउसेस मतलब वाइट कलर के घर थे और बहुत ही ब्यूटीफुल भी थे. एज आई रोड स्लोली, मैं वहाँ पे राइड कर रहा था धीरे धीरे. राइड मतलब वहाँ से जा रहा था धीरे धीरे. आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलो बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. मैंने फाउंड मतलब मैंने देखा कि मैं आई वॉज बींग फॉलोड मतलब मुझे कोई फॉलो कर रहा है. कौन? बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का एक ग्रुप मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे फॉलो किया जा रहा था बच्चों के ग्रुप के द्वारा. दे कॉल्ड आउट झूले झूले. वो क्या बोल रहे थे? झूले झूले मीनिंग वेलकम वेलकम. उसका मतलब होता है वेलकम वेलकम. बच्चे जो है उस गौरव को क्या बोल रहे थे कि वेलकम, तुम आओ, ऐसा बोल रहे थे. They were all amazed to see my लोनार. तो वो लोग जो थे वो amazed to see यानी कि वो मेरी लोनार यानी कि बाइक को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे. Everyone wanted me to come to their home. हर एक बच्चा जो है वो ये चाहता था कि मैं उनके घर जाऊँ, यानी कि घर ले जाना चाहता था.
कि बच्चे जो थे, बच्चों का ग्रुप जो था, वो गौरव और उसकी बाइक के पीछे जा रहा था और वो बोल रहे थे कि वेलकम वेलकम, तुम यहाँ पे आए उसके लिए वेलकम। तो हर एक बच्चा जो था वो उसके अपने घर ले जाना चाहता था। ओके, एट होम विद ताशी। ओके, तो गौरव जो है वो किसके घर पे गया? ताशी के घर पे गया। तो उसके घर पे क्या हुआ, तो वो चलो देखते हैं। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। ताशी जो थी वो मुझे अपने घर पे ले गई। ड्रैग्ड मी मतलब ले जाना। इट वॉज बिल्डिंग विथ टू फ्लोर्स। वहाँ पे बिल्डिंग थी, कितने फ्लोर थे वहाँ पे? टू फ्लोर थे, पहला माला और दूसरा माला। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वेर कैप्ड वन ओवर द अदर्स। कि वहाँ पे जो घर था वो किससे बना था? स्टोन यानी कि पत्थर से बना था। विच वेर कैप्ड ऑन ओवर द अदर, और दूसरा जो था उसके ऊपर था, मतलब ओवर यानी कि उसके ऊपर। द वॉल्स वेर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड, यानी कि वॉल मतलब दीवार जो थी वहाँ पे उसे कोटेड किया गया था, मतलब उसके ऊपर क्या लगाया गया था? स्टोन दीवार जो थी उसके ऊपर, तो थिक लेयर ऑफ मड, मड यानी कि कादव। ओके, तो वहाँ पे जो मिट्टी का लेयर मतलब मड जो था, कादव जो था, उसका थिक लेयर मतलब मोटा सा लेयर लगाया गया था वहाँ पे। एंड लाइम, और लाइम, लाइम मतलब उसे गुजराती में कहते हैं चूनो। ओके, तो वहाँ पे लाइम और मड का लेयर लगाया गया था। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। ओके, तो घर जो थे वो कैसे दिखते थे? शेड की तरह। शेड क्या है आपको पता होगा कि शेड जो है वो उसको बोलते हैं, एनिमल जो रहते हैं ना उसे शेड बोलते हैं, एनिमल को रहने की जगह उसे शेड बोला जाता था। तो घर जो है वो किसकी तरह दिखने लगे थे? शेड की तरह दिखने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था? लॉट ऑफ हे, हे मतलब घास यानी कि एनिमल को खिलाया जाने वाला ग्रास उसे बोलते हैं हे। तो घर के अंदर बहुत सारा हे था, स्टोर्ड थे, वहाँ पे स्टोर किया गया था। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। अब हमने वुडन स्टेप्स यानी कि वहाँ पे जो स्टेयर्स जो थी वो कैसी थी? वुडन, लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी थी। तो वहाँ पे वो लोग वुडन स्टेप्स यानी कि वहाँ से चढ़ के गए एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, और वो पहुँचे पहले माले पे। दिस इज वेयर वी स्टे। ये जो वो जगह थी जहाँ पे हम रहे, स्टे मतलब रुकना, जहाँ पे हम रुके। एक्सप्लेन ताशी, ताशी ने एक्सप्लेन किया। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। उसने क्या बोला कि ग्राउंड फ्लोर जो है, जो नीचे का माला है, वो किसके लिए है? फॉर आवर एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के लिए है, एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और बाकी जो हमारी नेसेसरी थिंग्स यानी कि ज़रूरी चीज़ें हैं उसको स्टोर करने के लिए हमने वो ग्राउंड फ्लोर बनाया है। Sometimes when it gets too cold, कभी कभी जब बहुत ठंड बढ़ जाती है, we also move downstairs, हम भी कहाँ पे चले जाते हैं? Downstairs, नीचे चले जाते हैं। Downstairs मतलब नीचे, और उसका अपोजिट होता है upstairs यानी कि ऊपर। Okay, I noticed that the ground floor had no windows, मैंने नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर यानी कि नीचे का जो माला था उसमें विंडोज़ ही नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वेर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रांग। ओके, रूफ यानी कि छत को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था? तो थिक ट्री ट्रंक्स यानी कि ट्री की जो ट्रंक्स होती है, ट्री की जो डालियाँ होती हैं, उन लोगों ने उसको यूज़ किया था ताकि उनका जो रूफ है वो कैसा बन सके? स्ट्रांग बन सके। लुक एट द पिक्चर, देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है किसका है? लेह का, कि वहाँ पे घर जो है वो किस तरह के होते हैं, है ना। तो आज के लिए हमारा चैप्टर जो है वो मैं यहाँ तक ही रखती हूँ। ताशी से जो है न्यू पैराग्राफ हम ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैंने जिस जिस वर्ड पे अंडरलाइन की है वो सारे वर्ड जो है वो आपको नोटबुक में 3-3 टाइम लिखने हैं। ओके, और आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ही कि मैंने कौन से वर्ड पे अंडरलाइन करती जा रही हूँ। तो आपको वो सारे वर्ड जो है वो नोटबुक में 3-3 टाइम लिखने हैं, और वीडियो देख के आपको पूरा चैप्टर रीड भी करते जाना है मेरे साथ, और अच्छे से समझते भी जाना है। थैंक यू।